तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम ब्लू बॉक्स एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं। ये उसका एपिसोड नंबर 1 है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट करें और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह का टाइम होता है और यहाँ पर एक लड़का बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। उसके दिमाग में एक लड़की होती है। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो हर सुबह बहुत ही जल्दी उठता है और भागते हुए वो यहाँ पर गेम खेलने के लिए जाता है। हर मॉर्निंग वो उसे देखता है, वो एक इंसान को। फिर जैसे ही वो गेट खोलता है, वो लड़की सामने ही उसके होती है, बट उसका बास्केटबॉल जाके उसके मुंह पर लगता है। वो उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो हंसते हुए ये कहता है। फिर वो उसके पास आती है और कहती है, मैं जो हूँ पास करने की प्रैक्टिस कर रही थी, दिखाओ मुझे तुम्हें कहाँ लगा है। वो उसके सर को टच करती है, वो उसके बहुत ही करीब होती है, वो उसे देख रहा होता है। वो कहती है, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ है? उसकी आवाज सुन के ही उसका दर्द गायब हो जाता है। फिर वो उसके लिए चॉकलेट देती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो और ये चॉकलेट तुम्हारे लिए है। वो सोचता है कि पहली बार इसने अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर मुझे दिया है, तो मैं इसे जरूर माफ कर दूंगा। इस लड़की का नाम चितासु होता है। चितासु कहती है कि ये जो है, मैंने तुम्हें बॉल मार दिया, उसके एक्सचेंज में मैंने ये तुम्हें चॉकलेट दिया है। तो वो दोनों जो है यहीं पर अपनी अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। यहाँ पे वो लड़का जो होता है वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस करता है और यहाँ पर चितांशु जो होती है वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती है, और वो दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं प्रैक्टिस करते वक्त। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारा लड़का भी होता है। वो यहाँ पर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। वो कहता है, चितांशु से मैं शादी करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा जब वो सुबह सुबह उठेगी और मेरे लिए कॉफी बना कर लाएगी? बट उसका दोस्त यहाँ पर कहता है, चितांशु तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी बास्केटबॉल प्लेयर है, आगे जाकर वो जो है वर्ल्ड के अंदर फेमस हो जाएगी, और तुम्हारे बैडमिंटन के अंदर कुछ अच्छे हालात नहीं है, तो तुम जो हो इतने ज्यादा फेमस नहीं हो पाओगे, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है, मेरी मॉम उसकी मॉम को जानती है, वो दोनों जो है पहले बास्केटबॉल खेला करते थे और वो दोनों एक ही स्कूल के अंदर थे। तो यहाँ पर वो उसका दोस्त कहता है, फिर क्या हो गया, अक्सर जो है प्राइवेट स्कूल में बच्चे मिल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, तुम्हें अपने बैडमिंटन पर ध्यान देना चाहिए और तुम्हें नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, जब इससे पहले कि तुम्हारे पास दो टारगेट हैं, जाकर उसका कम से कम नाम जानो और इसके बाद तुम्हें उसका नाम याद होना चाहिए और उसे तुम्हारा नाम याद होना चाहिए, और उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, तब तो मैं मानूं। तभी हम देखते हैं उसकी दूसरी दोस्त जो हीना होती है, वो उसके आके पैरों पर मार देती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और वो हंसने लग जाती है। फिर वो कहता है, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, पहले ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। हीना यहाँ पर कहती है, तुम्हें पता है मेरी हाइट जो है अब बढ़ चुकी है, अब मैं 150 सेंटीमीटर की हो चुकी हूँ और कुछ ही दिनों बाद मैं तुमसे बड़ी हो जाऊंगी, और वो ये बात इससे लात मार कर कहती है। वो कहता है, तुम हमेशा छोटी ही रहोगी। फिर यहाँ पर वो हीना से पूछता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि लड़कियों को कौन सी चीज बहुत ज्यादा खुश करती है? हीना यहाँ पर सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम रिलेशनशिप में जाना चाहते हो? उसे लगता है कि वो उसके साथ जाएगा, तो वो कहती है कि सबसे पहले तुम्हें जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यानी फिजिकली तुम बहुत अच्छे दिखने चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अगली सुबह यहाँ पर मॉर्निंग में जा रहा होता है अपने बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने के लिए। तभी वो देखता है चितांशु जो होती है यहीं पर बैठकर एक बुक को पढ़ रही होती है। वो सोचता है, लगता है डोर लॉक है इसीलिए ये बाहर बैठकर पढ़ रही है। वो देखता है कि वो अपने बालों को साइड में करती है। इतना देखते ही उसके दिमाग में एक झटका सा लगता है और उसके दिल में एक गुदगुदी सी होती है। इसके बाद वो यहीं पर साइड में खड़ा हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि ये मेरा लास्ट चांस है उससे बात करने के लिए। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि वो क्या पढ़ रही है। जब वो देखता है उसके बुक्स के अंदर, तो वो पढ़ रही होती है कि बास्केटबॉल के अंदर टीम्स किस तरह से काम करती है। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ठंड की वजह से
खांस रही होती है। तो वो जल्दी से आता है, अपना मफलर निकालता है और उसे दे देता है। कहता है कि तुम जो हो ये मफलर ले लो और यहाँ पर मेरे पास एक गर्म चाय है तो तुम इसे पी सकती हो, और मेरे बैग के अंदर ये ग्लव्स है जिसका तुम यूज कर सकती हो अपने हाथ को गर्म करने के लिए। और वो उसे देख कर हंसने लग जाती है। वो सोचता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी। वो उसे देखती है और कहती है, मैं तो सोच रही थी कि अगली कौन सी चीज तुम बाहर निकालने वाले हो। और वो हंसती है और कहती है, मैं मजाक कर रही थी, आप कुछ मत निकालो। वो उसका मफलर लेती है और उसे उड़ा देती है। कहती है, तुम्हें जो है वार्म रहना चाहिए। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे मेरी वाइफ जो है मुझे टाई पहना रही हो। वो उसके कानों के पास आती है और कहती है, मुझे पता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा नोटिस करते हो ताइकी, तुम्हें जो है ध्यान रखना चाहिए नहीं तो तुम्हें बुखार लग सकता है। ताइकी उसका नाम वो पहले से ही जानती है। ताइकी सोचता है कि ये मेरा नाम किस तरह से जानती है, बट वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ, तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर वो देखता है मफलर के ऊपर उसकी मॉम का नाम लिखा होता है और साथ में उसका भी, क्योंकि वो मफलर किसी और ने नहीं उसके मॉम ने ही बनाया था, इसीलिए नाम वहाँ लिखा हुआ था। फिर वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट कर देता है। फिर वो यहाँ पर देखता है अपने दोस्त के साथ। यहाँ पर वो कहता है, ताइकी तुम अपने गेम पर ध्यान दो। पर ताइकी का ध्यान तो यहाँ पर चितांशु के ऊपर होता है। वो यहाँ पानी पीते हुए भी सोच रहा होता है कि वो मेरा नाम जानती है। वो यहाँ पर कहता है कि अगला टारगेट मेरा ये है कि मैं जो हूँ उसका मोबाइल नंबर लेकर आऊंगा। जब वो बाहर से यहाँ पर जा रहा होता है तो देखता है चितांशु जो होती है अपने बास्केटबॉल कोच के साथ बात कर रही होती है, तभी पीछे से हिना आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। हिना यहाँ पर देखती है कि ताइकी जो होता है वो उस लड़की को देख रहा है। तो वो कहती है, तुम्हें अपना एम बहुत ज्यादा हाई नहीं रखना चाहिए। ताइकी कहता है, तुम बकवास कर रही हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हिना कहती है, इस लड़की को मैंने देखा था एक लड़के के साथ घूमते हुए। वो एकदम से मुड़ता है और गुस्से में देखता है। वो कहता है, क्या कह रही हो तुम। हिना हंसती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम जा सकते हो। ताइकी यहाँ पर कहता है, ये किस तरह का मजाक है, हिना मेरे साथ बहुत ज्यादा मजाक करती है, मैं उसके साथ ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब सभी बच्चे अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो देखता है कि कोई वहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वो गेट खोल के अंदर आता है तो देखता है चितांशु जो होती है यही बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो उससे कहती है कि तुम जो हो यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो यहाँ पर कहता है कि मैंने जो है तुम्हें देखा तो मैं यहाँ पर आ गया। और वो मन के अंदर सोचता है कि इसे मेरा नाम अभी तक याद है। तो वो यहाँ पर कहती है चितांशु कि मैं जो हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चितांशु यहाँ पर ताइकी से कहती है कि तुम जो हो मेरे साथ 1v1 प्रैक्टिस कर सकते हो। ताइकी भी कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ 1v1 प्रैक्टिस करता हूँ। बट वो बॉल उसके दोबारा से मुंह पर लग जाती है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर चितांशु कहती है कि तुमने जो है बास्केटबॉल को क्यों नहीं चूज किया, तुम बैडमिंटन को क्यों चूज करते हो। तो वो यहाँ पर कहता है, क्योंकि बैडमिंटन के अंदर किसी भी टीम की जरूरत नहीं होती है और मुझे जो है टीम वाला स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं बैडमिंटन लेकर यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो सारी जिम्मेवारी मेरी होती है। अगर मैं हारता हूँ तो मैं अपनी वजह से हारूंगा, अगर जीतूंगा तो मैं अपनी वजह से। बट बास्केटबॉल में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर टीम एफर्ट होता है, सभी टीम को अच्छा खेलेगा तभी हम मैच को जीत सकते हैं। इसीलिए चितांशु यहाँ पर कहती है, ये तो बहुत अच्छा लॉजिक है। फिर यहाँ पर वो कहता है, जब मैं पहली बार इस शहर के अंदर आया था तो मैं यहाँ पर खेलने के लिए आया था तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। तुम जो हो पहली लड़की थी जिसे मैंने देखा था कि इतनी सुबह वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, तुम्हें देखकर मैंने भी अपना गेम यहीं से स्टार्ट कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है, बच्चों अब तुम्हें घर जाने का टाइम हो चुका है तो तुम चले जाओ। फिर हम देखते हैं वो बास्केटबॉल उठाने के लिए दोनों साथ में उठाते हैं, उसका हाथ उसके हाथों से टच हो जाता है। वो कहती है, थैंक यू ये बास्केटबॉल उठाने के लिए। वो कहता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। वो कहता है मन के अंदर, इसके हाथ पहले से ज्यादा गर्म है क्योंकि ये शायद प्रैक्टिस कर रही होगी इसीलिए। अगली सुबह यहाँ पर ताइकी तैयार हो रहा होता है, उसकी मॉम खाना बना रही होती है, मॉम को गुड मॉर्निंग कहता है और वो जो है यहाँ पर देखता है एक मैगजीन को रखा हुआ। वो मैगजीन के ऊपर ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आता है ये मैगजीन के अंदर तो फोटो चितांशु की लगी हुई है। तो वो अपनी मॉम से पूछता है कि चितांशु को आप कैसे जानते हो। तो वो यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि उसकी जो मॉम है चितांशु की, वो मेरी टीममेट रह चुकी है बास्केटबॉल के अंदर। यहाँ पर ताइकी जो होता है उसे एक पॉइंट मिल जाता है कॉन्टेक्ट करने का।
था। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि वो उसकी जो है एक छोटी बच्ची भी है जो बहुत अच्छा खेलती है, बट कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर इस शहर को छोड़कर किसी और देश में जाने वाले हैं। ये सुनते ही इसके दिमाग पर एक झटका सा लगता है। वो सोचने लग जाता है कि वो उस दिन कोच से बात कर रही थी, यानी ये बात सही है कि वो इस शहर को छोड़कर जाने वाली है, ताकि यहाँ बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि जिसके लिए उसने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी उसके लिए अब वो छोड़कर जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो अपना हार्ड वर्क इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकती है। मुझे नहीं लगता है कि इस शहर के अंदर किसी ने उससे ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी, तो मुझे जाके उसे समझाना होगा कि उसे इस शहर को छोड़कर नहीं जाना है। वो जल्दी से भागते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर थोड़ी सी सांस लेता है और बोलना स्टार्ट करता है, कहता है तुम्हें जो है इस देश के लिए ही खेलना चाहिए, तुम्हें किसी और कंट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती हो और तुम्हें देख देख कर मैंने जो है बैडमिंटन स्टार्ट किया। तुम्हें जो है हर रोज प्रैक्टिस करता हुआ देखकर तुम्हारे गोल के करीब तुम जाती रहती हो और उसे देखकर मैं जो हूँ खुश होता हूँ और मैं जो हूँ प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अब तुम्हें जो है यहाँ पर इस शहर को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने फ्रेंड्स की बात नहीं मानना चाहिए और ना ही फैमिली की, तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। ताकि तभी रियलाइज करता है कि जो भी मेरे दिल के अंदर था सब तो मैंने बोल दिया, लगता है फिर से मैंने जल्दबाजी कर दी है। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, तो यहाँ पर वो हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम जो हो मेरे जूनियर हो और तुमने जो है मुझे देखा हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं कितना ज्यादा हार्डवर्क करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करती रहूंगी और मैं इसी शहर के अंदर रहने वाली हूँ, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो वो जो है कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो फिर कहती है चलो फिर 1v1 गेम खेल लेते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ बैडमिंटन खेलना होगा, तो वो कहती है ठीक है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं ताइकी जो होता है वो बहुत लेट उठता है। वो सोचता है कि आज तो मुझे जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही है, क्योंकि आज मैं जा नहीं पाया, लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। पर वो जैसे ही किचन में जाता है, यहाँ पर चितांशु किचन के अंदर ही होती है। वो सोचता है कि चितांशु यहाँ पर मेरे घर के अंदर क्या कर रही है। तभी उसकी मॉम और चितांशु की मॉम यहाँ किचन के अंदर आती है। उसकी मॉम कहती है ताइकी मैंने तुम्हें बताया था ना कि चितांशु की जो मॉम है मेरी फ्रेंड है, तो इसीलिए ये लोग जो है कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आने वाले हैं। तो यहाँ पर चितांशु कहती है शुक्रिया जो तुमने जो है मुझे यहाँ पर रहने का मौका दिया। अब यहाँ पर उसके दिल के अंदर से आवाज आती है कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये किस तरह का हैक है। अगर आप देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।